इवनिंग स्टूडेंट, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास टेंथ का एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 1 to 10 देखेंगे। ओके, और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग मेनली जो देखे थे वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड जो भी टर्म्स थे उन सबको क्लियर किए थे। जैसे कि लीनियर यहाँ पर जो मेंशन किया गया वो उसका मतलब क्या होता है, इक्वेशन किसको कहते हैं, या फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद सिमल्टेनियस इक्वेशन किसको कहेंगे, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट जो सॉल्यूशंस होता है उस वो क्या होता है, इस चीज के बारे में देखे थे। और ग्राफ को कैसे ग्राफिकली कैसे हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं किसी भी इक्वेशन का, तो वो भी हम लोग देखे थे, ठीक है। और उसके बाद जो हम लोग लास्ट टॉपिक हमारा था उसमें ये देखे थे कि अगर दो इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं और वो किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो यूनिक होता है, अगर एक दूसरे पर कंसाइड करता है तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है, और अगर वो दोनों का ग्राफ जो है वो पैडलर होता है तो हम कहेंगे, या फिर पैडलर कहें या फिर डज नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, आप कितना भी उसको एक्सटेंड कर ले वो इंटरसेक्ट नहीं करता है तो उसको हम लोग कहते हैं नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, और आपको इन सब चीजों से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पहले फर्स्ट वाले वीडियो देखें जो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड है। सिंपली आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो, और प्लेलिस्ट में 9th और 10th का लगभग सारे चैप्टर का, मतलब 10th का तो खैर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, ये थर्ड क्योंकि अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहां से आपको आसानी से कोई भी वीडियो, अगर कोई भी एक्सरसाइज हो, कोई भी क्वेश्चन हो आर एस अग्रवाल से रिलेटेड, या फिर कोई भी टॉपिक हो वहां से आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली, मतलब यहाँ पर जो इक्वेशन दिया गया है ठीक है ग्राफिकली हमें सॉल्व करना है। तो देखिए बोर्ड पर उतना ग्राफिकली सॉल्व करना तो पॉसिबल नहीं है, आपके पास ग्राफ होगा आपको ग्राफ पे सॉल्व करना, मैं वे ऑफ सॉल्यूशन बताऊंगा, एक्स और वाई का वैल्यू बता दूंगा, ठीक है। एक्स और वाई का वैल्यू मैं फाइंड आउट करूंगा और मैं ग्राफ भी यहाँ बनाऊंगा, लेकिन बेसिकली वो एकदम एक्यूरेट तो ग्राफ यहाँ बनेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर ग्राफ है, ग्राफ पेपर है नहीं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन जो है हमारे पास 2x + 3y = 2 एंड सेकेंड इक्वेशन इज व्हाट, x - 2y = 8। तो लेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, द फर्स्ट इक्वेशन इज 2x + 3y = 2, इस तरीके से हम ले लेंगे, ठीक है। और यहां से क्या करेंगे कि 2x + 3y = 2, ठीक है। देयरफॉर x = 2 - 3y / 2, मतलब देखिए यहां से आपको सेपरेट करना है x और y को अलग अलग, और यहां से इस तरीके से आप कर दीजिए कि x बिल्कुल अलग हो, मतलब इसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म भी ना हो, मतलब कुछ इस तरीके से कर दीजिए अरेंज कि y का अगर कोई भी वैल्यू रखा जाए तो x का वहां से इवेलुएट करना आसान हो। वैसे तो आप इसमें भी अगर x का, अगर y का कुछ वैल्यू रखते हैं या फिर x का वैल्यू रखते हैं तो y का वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन यहां से फिर आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, तो उतना ना करके डायरेक्टली सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिख देंगे। अब क्या करेंगे, पुटिंग y = 0, हम y को क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, ठीक है। अगर y को 0 मानेंगे देन ठीक है, देन x = क्या होगा, तो यहां से इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वी गेट x = 1 पुटिंग, अब अगेन देखिए कम से कम दो बार दो आपको सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। पुटिंग y = यहां पर अगर 1 रखेंगे तो -1/2 होगा, अगर 2 रखेंगे तो ये -6, देखिए 2 रखिए, 2 रखने से क्या होगा कि जो हमारे पास जो नंबर आएगा ना वो एक इंटीजर के फॉर्म में होगा, ठीक है। और इंटीजर को आप नंबर सिस्टम में आसानी से रिप्रेजेंट कर देंगे, अगर फ्रैक्शन होगा तो उसको रिप्रेजेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, हालांकि कर तो देंगे लेकिन डिफिकल्ट होगा। तो यहां से वी गेट
x इज इक्वल टू, देखिए तो यहां अगर हम 2 पुट करते हैं तो 2 माइनस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 बाई 2, तो ये कैंसिल होकर आ जाएगा माइनस 2। ठीक है, तो ये हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गया। अब क्या लिखेंगे, क्या वी हैव द फॉलोइंग टेबल ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई का हमारे पास एक टेबल आया जो कुछ इस तरीके का होगा, यहां एक्स लिख देंगे और एक में वाई लिख देंगे, तो एक्स का वैल्यू हमारा 1 और माइनस 2 आया और वाई का वैल्यू 0 और 2 था। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो हमारा एक्स का मतलब एक इक्वेशन का निकला। नाउ द सेकेंड इक्वेशन, नाउ द सेकेंड इक्वेशन इज एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 8, और इसी को हम अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 8 माइनस 2y। ठीक है, प्लस 2y हो जाएगा, x प्लस 2y, क्योंकि ये माइनस में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर सिंपल सा आप समझने का प्रयास कीजिए कि अगर यहां 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 8, ठीक है, या फिर आप यहाँ माइनस 2 रखिए। ठीक है, यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ और साइड में मैं इसका टेबल बना दूंगा। ठीक है, और फिर मैं ग्राफिकली इरेज करके मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का प्रयास करूंगा। देखो, या फिर सिंपल मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पर इस ग्राफ ये जो टेबल हमारे पास आया ना, इसको मैं लिख करके जो मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ उसको इरेज कर दे रहा हूँ। एक्स और वाई ये है 1 0 माइनस 2 और ये 2, अब इसका कोई आवश्यकता नहीं, आई थिंक ये तो आप समझ ही गए हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे कि जो सेकंड वाला है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड वाला जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं, देन आफ्टर फिर इरेज करके मतलब टेबल इसका भी मेंशन करेंगे, देन आफ्टर इरेज करके हम क्या करेंगे ग्राफ इसका रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास है, तो लेट या फिर पुटिंग आप लिख लो, मैं पुटिंग ही लिख देता हूं। ठीक है, पुटिंग y इज इक्वल टू माइनस 2, वाई को अगर माइनस 2 हम पुट करते हैं, वी गेट x इज इक्वल टू, x हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ माइनस 2 तो ये माइनस 4 हो जाएगा, और माइनस 4 हो जाएगा तो 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, देखिए यहां पर मैं फिर से सॉल्व कर दे रहा हूँ, 8 प्लस 2 इंटू माइनस 2। ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब दूसरा हम अगर निकालें, देखिए कम से कम दो सॉल्यूशन, दो से ज्यादा फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम दो होना चाहिए। ठीक है, तो पुटिंग y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस 3 आप पुट कर दीजिए, क्योंकि हम प्रयास करना है कि कम से कम छोटा से छोटा वैल्यू आप लाएं। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ हम अगर 3 भी लिखते तो ये 14 हो जाता है x का वैल्यू, तो नंबर सिस्टम फिर हमको बहुत बड़ा बनाना पड़ता। तो आपको ट्राई ये भी करना है कि जो आपका नंबर सिस्टम नंबर लाइन जो आप बना रहे हो वो थोड़ा ज्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, तो वी गेट यहाँ पे माइनस 3 अगर पुट करेंगे तो माइनस 6 हो जाएगा और हमारे पास x का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो यहां से वी गेट द फॉलोइंग टेबल ऑफ x एंड y, इस तरीके से लिखेंगे, वी गेट द फॉलोइंग टेबल ऑफ x एंड y। तो x एंड y का हमारे पास टेबल जो दूसरा है वो क्या है, वो कुछ इस तरीके का है, x y, x का वैल्यू 4 और 2 और इसका माइनस 2 माइनस 3। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। मैं यहाँ पे साइड में रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं जो सेकंड हमारा इक्वेशन का टेबल जो बना। ठीक है, x एंड दिस वन इज y, x इज इक्वल टू 4 एंड 2 माइनस 2 एंड माइनस 3, तो ये हमें इरेज कर देना है। ठीक है, ये हालांकि आपको इरेज नहीं करना, बनाने के बाद आपको रहने देना है। ठीक है, ये क्योंकि बोर्ड छोटा है तो इसलिए मैं इरेज कर दे रहा हूं, क्योंकि अभी ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो अब ग्राफ हम लोग कैसे बनाएं, यहाँ पे क्वेश्चन है ग्राफ कैसे बनाएं। तो आप 9th क्लास में भी ये पढ़ चुके हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट एनी इक्वेशन ऑन ग्राफ, किस तरीके से ग्राफ पर किसी भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो चीज आप देख चुके हैं। तो वहां पर एक ही ग्राफ को आप ड्रॉ कर रहे थे, यहाँ दोनों ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये मान लेते हैं एक्स ओ एक्स डैश,
वाई ओ वाई डैश, ठीक है। नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 -1, -2, -3, -4, -5, -6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 -1, -2, -3, -4, -5, -6 ठीक है। तो हम इस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे नंबर्स को। अब उसके बाद पहला जो हमारा इक्वेशन है जो कि 2x + 3y = 2 है, उसका पहला पॉइंट जो है वो मतलब पेयर अगर देखें तो 0, 1 है, तो 1, 0 है, तो 1 और 0 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं रेड मार्कर से इसको इंडिकेट कर दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको ये प्रॉब्लम ना हो समझने में, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है -2 और 2 ठीक है, तो मतलब एक्स एक्सिस पर -2 और वाई एक्सिस पर 2, तो ये हमारा पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है, -2, 2 और ये जो पॉइंट था वो हमारा था 1, 0। अब देखिए ये दोनों को मिलाते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करना है। देखिए 100% एक्यूरेट तो नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पर ना ही मैं स्केल का यूज कर रहा हूँ ना ही ग्राफ पेपर का यूज कर रहा हूँ। तो मेनली आपको ये समझाने के लिए मैं क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस भी कर रहा हूँ कि ग्राफ आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और ये जो देखिए इस तरीके का आप अगर लिखे तो ये इक्वेशन ऐसे लाइन ड्रॉ करने के बाद इस पर आप इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब 2x + 3y = 2 इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन की बात करें तो 4 - 2 तो 4 और -2 इट मीन्स नीचे, ठीक है, तो ये यहाँ पॉइंट होगा 4 - 2। दूसरा है 2 - 3 2 यहाँ हो गया और -3 यहाँ हो गया, ठीक है, तो 2 - 3 ठीक है, ये थोड़ा हाँ ठीक है। अब देखिए इसको जो है इस तरीके से हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा और यहाँ पर आप इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे x - 2y = 8 और जाहिर सी बात है इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना था, तो ये जो पॉइंट होगा ना इस पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट मतलब जो इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग जो भी इसका ये मिल रहा ऑर्डर पेयर मिल रहा वो आप इसको इसका आंसर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए तो मेनली जो है वो 4 - 2 आंसर जो आपका दिया गया है वो 4 - 2 दिया गया है, मतलब कि ये जो कट कर रहा है ना वो कुछ यहाँ पे कट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत इधर उधर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ पा रहे हैं ये बहुत है, ठीक है, अगर आपको समझ आ रहा है तो वो बेहतर है, ठीक है आप। और देखिए यहाँ पर एक्स और वाई का जो वैल्यू निकालिएगा वो हो सकता है कि क्वेश्चन में मतलब आंसर में कुछ और दिया हो और आप कुछ और बना रहे हो, ठीक है, तो मतलब आंसर से मैच नहीं करना है कि आपका एक्स और वाई का वैल्यू जो है वो सेम आया है कि नहीं। आपका एक्स और वाई का वैल्यू कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपका जो ग्राफ बन रहा है जो लाइन आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो एक ही होना चाहिए दोनों का, ठीक है। चलिए सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में भी वही काम करना है और सेकेंड नंबर जो दिया गया है वो है हमारे पास 3x + 2y = 12 एंड x - y + 1 = 0 ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं और मेनली देखिए मैं फोकस करूंगा एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करने में, ग्राफ आपको खुद से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन इज 3x + 2y = 12 तो 3x + 2y = 12 x = 12 - 2y / 3 ठीक है, इस तरीके से x का रिप्रेजेंटेशन होगा, ये 2y उसे जाएगा माइनस में और ये 3 है डिवाइड में चला जाएगा। अब यहां से वही जो सेम था पुट करना वैल्यू, पुटिंग y = देखिए y = क्या पुट किया जाएगा, सिंपल सा अगर 0 भी अगर पुट करते हैं तो सिंपल सा नंबर आएगा, ठीक है, तो हम सबसे पहले 0 पुट कर दे रहे हैं तो वी गेट x = 4। देखिए अगर हम यहाँ 0 पुट करते हैं तो 12 - 2 × 0/3 तो 12/3 हो जाएगा और इसका रिजल्टेंट जो है वो 4 आएगा, ठीक है। और दूसरा हम क्या देखते हैं, पुटिंग
y इज इक्वल टू टू पुट कीजिए, टू या थ्री पुट कर दीजिए, ठीक है। थ्री क्यों बोल रहा हूं ये समझिए, अगर यहाँ वन पुट करिएगा तो 12 - 2 = 10 हो जाएगा, और 10/3 तो ये एक इंटीजर के फॉर्म में नहीं आ रहा। अगर टू भी पुट करिएगा तो 8/3 आ जाएगा, लेकिन अगर थ्री पुट कीजिएगा तो 6, तो 12 - 6 = 6 रिजल्टेंट होगा, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 3 है, तो यहां पर जो हमारे पास रिजल्टेंट होगा वी गेट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहां से हमारे पास जो टेबल आया वी गेट द फॉलोइंग टेबल, और मैं टेबल को डायरेक्टली यहां पर या फिर चलो यहीं पे मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, ठीक है। वी गेट द फॉलोइंग टेबल, फॉलोइंग टेबल, तो क्या हमारे पास आया तो कुछ इस तरीके का, तो x का वैल्यू 4 और 2, ये 0 और ये 3, तो ये हमारे पास आया, ठीक है। अब नाउ द सेकेंड इक्वेशन, नाउ द सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है, x - y + 1 = 0, x - y + 1 = 0, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, x - y + 1 = 0 एंड x = y - 1, y - 1 हो जाएगा, ये उधर जाएगा मतलब राइट साइड में जाएगा, तो प्लस, और ये प्लस वाला है तो माइनस। अब यहां से हम क्या करेंगे, पुटिंग y = 2, अगर 2 पुट करते हैं या फिर आप 1 ही पुट कर दीजिए, तो वी गेट x = 0, अगर आप y = 2 पुट करते हैं तो वी गेट x = 1, तो ये बड़ा सिंपल सा, तो वी गेट द फॉलोइंग टेबल लिखेंगे और यहां पर टेबल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये x हो गया और ये y हो गया, x का वैल्यू हमारे पास क्या है, x का वैल्यू 0 और 1 है, और y का वैल्यू क्या है, 1 और 2 है, ठीक है। तो हमारे पास दोनों टेबल आ गए हैं, और मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ ग्राफिकली, और मैं रिप्रेजेंट करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। और आपको खुद से देखिए, मेनली क्वेश्चंस में मैं सॉल्यूशन फाइंड आउट करूंगा एक्स और वाई का, आपको खुद से ही यहाँ पर क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, ठीक है। और देखिए पिछले वाले क्वेश्चंस में वो दोनों पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा था, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, इसका कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से अगर हम ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हम लिखेंगे ये एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। अब यहां से रिप्रेजेंट अगर करें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इधर -1 -2 -3 -4, अब पहला जो है हमारा 4 0 है, ठीक है, x मतलब जो पहला पेयर बन रहा है वो 4 0, दूसरा है 2 3, तो 4 0 का अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा पॉइंट जो होगा वो ये होगा, ठीक है। यहाँ पे आप समझने का प्रयास कीजिए, और देखिए वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं। देखिए जो कैमरा था मेरे पास वो मैं दूसरा मैं चेंज किया हूँ, और आई थिंक आप लोगों का ये हमेशा कमेंट्स आता था कि सर वीडियो क्वालिटी इम्प्रूव किया जाए, तो मैं दूसरा इंस्टॉल किया हूँ, लेकिन मेरे से बहुत अच्छे तरीके से इंस्टॉल नहीं हो पा रहा था, दैट्स वाई अब क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो कंटिन्यू चल रहा है। तो एक मिनट मैं मतलब जस्ट अ सेकेंड प्लीज वेट, मैं देख लेता हूँ कि वीडियो क्लियर है या नहीं है, ठीक है। हाँ तो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ पर जो हमारा है 4 0, तो 4 और 0, तो 4 0 को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा जो हमारा है 2 3, तो 2 and 3 दिस पॉइंट, ओके, तो ये हो जाएगा 2 3 और ये हो जाएगा 4 0। अब इन दोनों को हम मीट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 3x + 2y = 12, ठीक है, इसको आगे की ओर बढ़ा देंगे। दूसरा है हमारा जो एक 0 1, तो 0 1 ये पॉइंट होगा, 0 1 0 1, ठीक है, और 1 2, तो 1 और 2 ये पॉइंट होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ऊपर की ओर जाकर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, ऐसे करके, या आई थिंक इधर जाकर के इंटरसेक्ट करेगा, और इसका जो सोल्यूशन हमारे पास है वो 2 3 है, 2 and 3,
मतलब कि ये कुछ यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर ठीक है, 2-3 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो 2-3 ऑफकोर्स देखिए मैं ग्राफिकली जैसे अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना, तो मेरा जो है ग्राफ वो थोड़ा उल्टा बन जा रहा है, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन हमारा सही आना चाहिए और सॉल्यूशंस का रिप्रेजेंटेशन सही होना चाहिए, ठीक है। तो 0-1, तो 0-1 को मैं यहाँ 0-1, अच्छा ये देखिए ये मेरा ग्राफ गलत है, गलत क्यों है देखिए, तो 0 और 1 तो ये हो जाएगा पॉइंट, और दूसरा जो पॉइंट है वो 1 और 2 है, मतलब ये पॉइंट है, और इन दोनों को अगर आप आगे बढ़ाएं तो कुछ इस तरीके का आएगा, ठीक है ये। और इसको मैं और आगे बढ़ा देता हूँ, और इसको x-y+1=0, तो देखिए दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है 2-3 पर, मतलब कि द सोल्यूशन ऑफ द गिवेन इक्वेशन इज 2 and 3, मतलब कि x=2 and y=3। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ओके। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन इट मीन 3 नंबर देखते हैं, और 3 नंबर में देखते हैं क्या हमें करना है। और देखिए अब मैं जितने भी क्वेश्चन है सारे का एक्स वाई वैल्यू फाइंड आउट कर दे रहा हूँ, ठीक है, आपको खुद से फिर सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर 3 नंबर की बात करें, 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर में 2x+3y=8 है, और सेकंड इक्वेशन इज x-2y+3=0। 2x+3y=8 एंड सेकंड इक्वेशन इज x-3y+3=0। तो एक बार ट्राई कीजिए पॉज करके, ओके। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, और इस इक्वेशन का देखिए आई थिंक 10 तक तो क्वेश्चन हो नहीं पाएगा 30 मिनट्स में, तो इसको हम 5 तक ही रहने देंगे, ठीक है, 5 तक ही रहने देंगे। और देखिए प्रयास तो मेरा होता है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर पाए, ठीक है। देखिए यहां से अगर हम सॉल्व करें, फर्स्ट इक्वेशन जो है वो हमारे पास शॉर्टकट मैं बना रहा हूँ अब, ठीक है, 8, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो x=8-3y/2, तो पुटिंग y=0, ठीक है, अगर y=0 पुट कर रहे हैं वी गेट x=4, ठीक है। पुटिंग y=2 पुट कर रहे हैं तो वी गेट x=1, ठीक है, क्योंकि यहां पुट करेंगे 2 तो 3 2 6 एंड 8-6=2, 2 2 2 2 2 2 1, तो हमारे पास टेबल जो आया वो कुछ इस तरीके का आया, x एंड दिस वन इज y, x का वैल्यू हमारे पास जो है वो 4 और 1 है, और इसका वैल्यू 0 और 2 है, ठीक है। अगेन यू कैन सॉल्व द सेकेंड इक्वेशन, द सेकेंड इक्वेशन इज x-2y=-3, या फिर x-2y+3=0, तो x=2 हो जाएगा -3, या फिर इसको आप इस तरीके से लिखिए कि 2y-3, ठीक है, 2y-3, और अगर आप यहां से पुट करते हैं पुटिंग y=y=, आप 0 पुट कीजिए तो वी गेट x=, अगर यहाँ 0 पुट करेंगे तो -3 आ जाएगा। अगेन पुटिंग y=y=1 मैं पुट करता हूँ तो वी गेट x=x=, अगर यहाँ 1 है तो 2 into 1 2 2-3=-1, तो हमारे पास जो टेबल बनेगा वो कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। जो हमारे पास टेबल बनेगा देखिए, ये वाई एक्स और ये वाई, तो एक्स का वैल्यू -3-1 और 0 और ये 1। अब देखिए हमारे पास जो ग्राफ बनाना है वो मैं फास्टली रिप्रेजेंट करने का प्रयास करता हूं, ठीक है। 1 2 3 4 -1-2-3-4 1 2 3 4 -1-2-3-4, इसको हम x और ये x डैश लिखेंगे, ये y और ये y डैश होगा, और यहाँ ओरिजिन, ठीक है। तो ये हो गया पहला जो हमारा है वो 4-0 है, मतलब कि ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा 1-2 है, 1 और 2 इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन दोनों को इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो होगा इक्वेशन ये कौन सा है, पहला है, तो हम लिखेंगे 2x+3y=8। दूसरा इक्वेशन का जो वैल्यू है -3-0 है, तो -3 और 0, तो ये हमारा पॉइंट होगा। दूसरा जो पॉइंट है वो -1 और 1 है,
मतलब ये पॉइंट है, तो इन दोनों को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से, मैं ये श्योर नहीं कह रहा हूं कि एकदम यही होगा, ठीक है, मतलब इसके देखिए आपको मैं बस हिंट कर रहा हूं कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आ जाएगा। और थर्ड का 1-2 आंसर फ्री है, 1-2 मतलब इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि हमें 5 तक कम से कम कर देना है, ठीक है, 5 तक हमें कवर कर लेना है इस वीडियो में जल्दी से, ठीक है। और 5 नंबर देखते हैं, 5 नंबर में क्या है हम ये देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। 5 नंबर में जो दिया गया है हमारे पास वो है 3x plus 2y is equal to 12, 5 नंबर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो चलो मैं 4 नंबर पहले कर लेता हूँ ना, 4 नंबर में जो दिया गया वो 2x minus 5y plus 4 is equal to 0, एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x plus y minus 8 is equal to 0, ठीक है, 2x, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास इक्वेशन है 5 नंबर में, मैं यही सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, 5 नंबर में जो दिया गया वो 3x plus 2y is equal to 12, एंड सेकेंड वन इज 5x minus 2y is equal to 4। अगेन आई चेक दिस क्वेश्चन, 2x minus 5 plus 4 is equal to 0, 2x plus y minus 8 is equal to 0, एंड सेकेंड वन इज 3x plus 2y is equal to 12, एंड 5x minus 2y is equal to 4। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन अगर लें, ठीक है, स्टेटमेंट मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ, +4 is equal to 0, देन x is equal to 5y minus 4/2, ठीक है, ये हमारे पास आया। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, पुटिंग y is equal to, अगर हम 1 मानेंगे तो ये 1/2 होगा, अगर 2 मानते हैं, ठीक है, 2 अगर हम इसका वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, तो अगर 2 वैल्यू लेते हैं तो वी गेट x is equal to, x का वैल्यू कितना हमारे पास होगा, तो यहां 2, 10, 10 minus 4, 6, 6/2 is equal to 3, अगेन पुटिंग y इज इक्वल टू, तो अब देखिए 3, या फिर देखिए दूसरा आप 0 मान लीजिए, y का वैल्यू 0 अगर मानते हैं तो वी गेट x इज इक्वल टू, क्योंकि ये 0 हो गया तो -4/2, तो -2 हमारे पास हो जाएगा। देखिए ये जो वैल्यू आ रहा है, ये जो आंसर्स दिए गए हैं बुक में उससे मैच करे ये श्योर नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपको मैं बताया था रेशनल और इरेशनल जब नंबर फाइंड आउट करना था दो नंबर्स के बीच में, तो मैं बोला था कि इनफाइनाइट मेनी नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है, ग्राफ अगर आप देख रहे हैं तो वहां से यूनिक सोल्यूशन ही आ रहा है, लेकिन अगर कोई सिंगल इक्वेशन दिया गया तो उसका मेनी सोल्यूशन होता है, विच इज डिपेंड ऑन यू कि आप एक्स और वाई का वैल्यू क्या आप मान करके चल रहे हैं, ठीक है। ये सिंगल इक्वेशन का सोल्यूशन हो रहा है, और डबल इक्वेशन का मतलब सिमल्टेनियस इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वो सिमल्टेनियस, मतलब कि दिस वैल्यू सेटिस्फाई बोथ इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये तो हो गया, इसका टेबल हमारे पास जो आया वो कुछ इस तरीके का है, ठीक है, x एंड दिस वन इज y, x का वैल्यू है 3 minus 2 and 2 0, ठीक है। नाउ सेकेंड इक्वेशन इज 2x plus y minus 8 is equal to 0, एंड x इज इक्वल टू, x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 8 minus y by 2, पुटिंग फिर से वही काम, पुटिंग y इज इक्वल टू 0, ठीक है, अगर y का वैल्यू हम 0 पुट करते हैं वी गेट x इज इक्वल टू, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, अगेन बाय पुटिंग y इज इक्वल टू, अब की बार मैं क्या पुट कर रहा हूं 2, ठीक है, तो अगर y का वैल्यू 2 पुट करूं तो 8 minus 2, तो वी गेट x इज इक्वल टू 3, 8 minus 2 तो 6 हो जाएगा, 6/2 is equal to 3। तो यहां से जो हमारे पास सेकेंड टेबल आ रहा है वो कुछ इस तरीके का आ रहा है, x एंड y, x का वैल्यू हमारे पास 4, 3 और ये 0, 2, तो ये कुछ इक्वेशन आया हमारे पास, मतलब सोल्यूशन आया। चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर साथ में ही दोनों का जो ग्राफ है वो ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन जो हमारे पास है वो है, मतलब 5 नंबर का जो पहला इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके का है, ठीक है। तो यहां से x का अगर हम वैल्यू निकाले तो 12 minus 2y divided by 3, ठीक है,
और हम मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू y का वैल्यू 0 मानते हैं, ठीक है, देन x इज इक्वल टू x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 0 12 माइनस 0 12 बाई 3 4, ठीक है। अब y इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, अगेन लेट y इज इक्वल टू, अगर मैं 2 मान लूं, 2 अगर 3 मान लूं, ठीक है, क्योंकि 3 इसलिए मान रहा हूं क्योंकि ये 6 12 माइनस 6 हो जाएगा, मतलब एक परफेक्ट नंबर या फिर कहें कि इंटीजर आपको लाना है, तो ये 12 माइनस 6 करेंगे तो 6 और 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो हम इसलिए 3 माने, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो हमारे पास जो टेबल आ रहा है, मैं साइड में इसको लिख दे रहा हूं, ठीक है, दिस वन इज x एंड दिस वन इज y, तो x का वैल्यू 4 एंड 2, ये 0 और 3 हो गया, ठीक है, ये 0 और ये 4 और 0 और 2 और 3, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो है, यहां पर जब हमारा है तो अब क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन इज इक्वल टू क्या है, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, मतलब यहां से हम अगर लिखें x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y डिवाइडेड बाई x प्लस 2y इज डिवाइडेड बाई 5। अब देखिए यहाँ 5 है तो जाहिर सी बात है ये अगर हम सॉल्व करना है, ये 2y उधर गया मतलब राइट साइड में, तो प्लस में और डिवाइडेड बाई 5, तो लेट। अब यहाँ से कौन सा ऐसा वैल्यू रखा जाए जो सिंपली, देखिए अगर हम यहाँ पे रखें लेट y इज इक्वल टू, वाई का वैल्यू अगर 7 रखते हैं, ठीक है, सिंपल सा समझने का प्रयास कीजिए, अगर y का वैल्यू हम 7 रखते हैं तो ये 14 हो जाएगा, सॉरी ये तो प्लस में है, तो 3 अगर रखते हैं, अगर 3 रखते हैं तो हमारा जो होगा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 3 2 इंटू 3 6 6 प्लस 4 10 एंड 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2। अब फिर से क्या हम करते हैं लेट y इज इक्वल टू, अब की बार क्या माइनस 3 रख दें, माइनस 3 रखने से कोई फायदा नहीं है, आप क्या रख सकते हैं 3, अगर 4 रखें तो 4 8 प्लस 5 रखें तो 10 प्लस 4 6 रखें तो 12 प्लस 4 7 अगर रखें तो 12, यहाँ पे आप 8 रख सकते हैं, y का वैल्यू 8 रख सकते हैं, 16 प्लस 4 हो जाएगा, तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो हमारे पास जो टेबल बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, वी गेट द फॉलोइंग टेबल एंड द टेबल इज लाइक दिस 2 4 एंड दिस वन इज 3 8, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों आ गया, ठीक है, सॉल्यूशंस जो हमें करना था। तो देखिए मैं यहाँ पे पहले दोनों टेबल लिख देता हूँ, सिंपल सा छोटा सा, ठीक है, या फिर चलो थोड़ा बड़ा ही कर देते हैं ना। देखिए यहां पर जो है हमारे पास ये x और y और 3 2 माइनस 2 0, और दूसरा जो हमारे पास टेबल है वो कुछ इस तरीके का है, x एंड दिस वन इज y 4 3 0 2। अब उसी तरीके से यहां पर भी हम चेंज कर लेते हैं ना, सबसे पहला जो है हमारा वो क्या है x एंड y, तो ये हो जाएगा 4 0 2 एंड 3, और सेकंड जो है हमारा, सेकंड जो है वो एक्स वाई, तो ये 2 3 4 और 8 है, तो अब आप इसको इरेज कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहां तक बहुत सिंपल है, ठीक है। और इस तरीके से बहुत सारे आप क्वेश्चंस जब कर लेंगे ना तो आपको बहुत इजी लगेगा। अब देखिए अब आपको क्या करना है, अब सिंपल सा आप लीनियर इक्वेशन जो आपको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली वो आप ड्रॉ कर लीजिए, 1 2 3 4 5 x 1 2 3 4 y माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 x डैश माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 और ये हो जाएगा क्या y, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं नंबर्स को, तो सबसे पहला जो है वो 3 माइनस 2 है, तो 3 ये हो गया और माइनस 2 नीचे, तो ये हमारा हो जाएगा 3 माइनस 2, ठीक है। दूसरा है 2 0, तो 2 x एक्सिस और 0, तो ये मतलब ये दोनों इस तरीके का मतलब ग्राफ ड्रॉ होगा इसका, ठीक है। और यहां पर आपको लिख देना है बस 2x माइनस
5y + 4 = 0। सेकेंड इक्वेशन जो है उसका हमारा सोल्यूशन 4 0 है, मतलब ये एक पॉइंट हो गया, और दूसरा 3 2 है, तो 3 और 2 मतलब यहाँ पे है। मतलब देखिए इसको अगर आप फर्दर एक्सटेंड करें तो फिर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है, ये आपको समझ आ रहा होगा। और इसका अगर आप सॉल्यूशंस देखें 4 नंबर का, तो आपके पास सॉल्यूशन जो है वो 4 का 3 2 है, 3 और 2, मतलब कि 3 और 2, तो ये आई थिंक एक बार मैं फिर से मैच कर दे रहा हूँ, ठीक है। 4 और 0 ये पॉइंट है, ठीक है, और 3 2 3 और 2 यहाँ है, ठीक है, 3 और 2 ये तो ठीक है हमारा। उसके बाद 3 माइनस 2 ये नीचे, और उसके बाद 2 0, तो 2 एक्स एक्सिस और 0 वाई एक्सिस, तो ये जाहिर सी बात है कुछ इस तरीके से एक्सटेंड होगा, ठीक है। हो सकता है कि कहीं एरर हो, ठीक है, और आई थिंक सॉल्यूशन में तो एरर कम है, ठीक है, ग्राफ आप देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास है, तो यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस वन इज 8, क्योंकि लास्ट तक है 1 2 3 4 5 6, तो रहने देते हैं इतना, क्योंकि नेगेटिव नंबर नहीं है तो बाद में हम उसको देख लेंगे। 4 0 है सबसे पहला, तो ये 4 0 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा 2 3 है, तो 2 एंड 3, अच्छा 2 3 3 2 3 2, ठीक तो है, हाँ ठीक है, तो ये हमारा हो गया, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा, ठीक है। दूसरा हो गया 2 3, तो 2 3 मतलब कि 2 एंड 3 ये पॉइंट, ठीक है, मतलब कि जाहिर सी बात है ये पॉइंट 2 3 ही सॉल्यूशन आएगा। 4 8 जो है, तो 4 और 8, तो एक यहाँ पे 7 और ये 8 मान लेते हैं, इसको और आगे बढ़ाते हैं, तो 4 और 8, तो ये कोई पॉइंट होगा, लेकिन ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, मतलब 2 3 पर इंटरसेक्ट कर रहा है 2 और 3 पर, क्योंकि दोनों में पॉइंट एक कॉमन है, ठीक है, 2 3, तो वही सॉल्यूशन होगा। और यहाँ 3, अच्छा इसको एक बार सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, क्या ये 3 अगर y का वैल्यू 2 पुट किए थे या -2 पुट किए थे, ये एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। हमको जहां तक लग रहा, मुझे जो लग रहा वो 3 और 2 था, ठीक है। अब कहीं एरर होगा तो ये बस चेक कर लीजिए कि -2 था या 2 था, अगर -2 था तब आंसर है 3 2, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और अगर आपको कुछ इस वीडियो से सीखने को मिल रहा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, गुड बाय, जय हिंद।